अगर बात की जाए पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, काफ़ी ऊंचाई को छू चुकी है पूरी कीमतें, और उसमें जो केंद्र सरकार की मोदी सरकार है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम करके एक दिवाली का उपहार दिया है उपभोक्ताओं से बात की जाए, या अगर बात करें कि जो एक साधारण जो व्यक्ति है जिसकी जीवनचर्या पर ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है उसी को देखते हुए इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो इन कीमतों का उतरना कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को एक राहत प्रदान कर रहा है। इसको लेकर के हम आज बात कर रहे हैं, हमारे जो व्यवसायी हैं पेट्रोल कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके साथ में हम बात करते हैं कि आखिर इससे क्या राहत मिली है जनता को और आने वाले समय में इसका क्या हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। जी क्या नाम? मेरा नाम आमिर है, नागौर पेट्रोल सर्विस से हूँ मैं। देखो जो भारत सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी हटाई है वो बहुत अच्छा है। एक तो पेट्रोल और डीजल में कीमतों की गिरावट आई है, पेट्रोल में 6.35 रुपये गिरावट आई है और डीजल में 12.68 रुपये गिरा, तो बहुत अच्छा है, जनता को कुछ राहत मिलेगी। अगर इस भाव से अगर बात की जाए जो 12.5 रुपये आज डीजल पर जो उतरे हैं उससे कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है या अगर ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं डीजल की कीमतों से ज़रूर प्रभावित होता है, तो उसमें भी क्या इसका फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा? जी मिलेगा, इसका फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें गिरावट आई है तो सेलों में थोड़ा आएगा और भी कुछ अच्छा ही होगा, फ़ायदा है, गिरावट आएगी तो अच्छा ही है। ये कहना है एक अपने पेट्रोल पंप से जुड़े जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनका कि जो कीमतें कम हुई हैं उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर, जिसमें कि जो उपभोक्ता हैं उनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कीमतें कम होने का प्रभाव उनको मिलना है। और जो ये है बात कही जा रही थी कि जो चुनाव हैं यूपी के उसको लेकर भी लोगों का एक लगाया जा रहा था कि भाई ये चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक जो उनकी बार बार मुद्दा मिल रहा था विपक्ष को कि जो कीमतों के तेल के भाव हैं बहुत ज़्यादा होने की वजह से लगातार वो आक्रामक नज़र आ रही थी पूरी भाजपा सरकार के ऊपर, जिसका एक न निष्कर्ष निकालने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को केंद्र की जो नीति है चुनाव को लेकर के उसके साथ में जोड़कर देखा जा रहा है, और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर प्रभावित जरूर करेगी, क्योंकि विपक्ष के पास में कहने के लिए और शायद कोई मुद्दा नहीं बच पाए। दिवाली के पर्व पे जहां पूरा देश दिवाली मना रहा था तो वहीं केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर आम इंसान को देश के दिवाली का तोहफा दिया है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। आपको जानकारी देते लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम इंसान पर चौतरफा मार पड़ रही थी। दिवाली से पहले की अगर बात करें तो लगातार 7 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देश की जनता को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर घटा दी। आपको जानकारी दे दे पेट्रोल पर 5 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, उसी के साथ डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। अगर आज की बात करें, आज शुक्रवार है, आज भी तेल कंपनियों ने कोई तेल के दामों में इजाफा नहीं किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104.01 रुपये है। तो लोगों से भी जानना चाहेंगे केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, दिवाली पर जो केंद्र सरकार ने सौगात दी है उसको कैसे देखते हैं लोग। सर क्या नाम है आपका? हरीश वालिया। हरीश जी देखिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि दिवाली के मौके पर देशवासियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है, पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेगा? खुश तो हैं जी, थोड़े बहुत तो हो गए हल्के फुल्के, बाकी मेरा यही कहना है मोदी सरकार से, कोई भी सरकार हो, चलो तेल पे तो कर दिया आपने, औरों पे भी कम करो, राशन है गरीब आदमी के लिए, उनके लिए भी सोचो खुश। बस सर को क्योंकि चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही थी। हाँ जी, जो महंगाई पड़ रही है वो मैं कहता हूँ कि सरकार से मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगे के लिए और भी देखो, जितना कम हो सके उतना राशन पानी भी कम करें। अच्छा देखिए, बीजेपी सरकार के अब जो राज्यों में सरकारें बनी हुई है उन राज्यों में भी जो उन्होंने वैट है वो कम कर दिया है, इसके बाद अब जो सियासत है इसमें भी गर्मा गई है। बीजेपी के जो सांसद हैं मंत्री वो कह रहे हैं कि हमारी जहां पर राज्य में सरकार थी वहां पर भी पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पेट्रोल के दाम अब कम नहीं हो रहे, जबकि केंद्र सरकार भी तेल जो है वो कम कर चुकी है। इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है, इस पर भी सियासत हो रही है आने वाले, क्योंकि कुछ समय में चुनाव भी है? चुनाव के कारण तो देखो जी सरकार करेगी कुछ ना कुछ, चुनाव आ रहे हैं अब 2-3 महीने जैसे हैं, जो भी है अगले साल में है ना, जो चुनाव तुम मैं कहता हूँ मैं तो यहाँ जोड़ के कि आगे आनी है ये सरकार तो सोचे अपने लिए। चुनावी स्टंट लग रहा है आपको? चुनावी स्टंट है ये?
हाँ जी, चुनाव का स्टैंड है ये। तो केंद्र में ने तो कर दिया कम, अब जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उनको भी कम करने पड़ेंगे, क्या लगता है करेंगे वो कम? जरूर करेगी वो सरकार। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार? केजरीवाल का तो कह नहीं सकता मैं कुछ भी जी, मैं तो कांग्रेस, देखो कांग्रेस जैसी भी थी गरीबों के लिए सोचती थी वो। भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब देखिए, पेट्रोल पे केंद्र सरकार ने 5 रुपये कम करे एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 10 रुपये कम करे हैं, सबसे पहले बात तो कैसे देखते हैं, खुशी की सौगात है जैसे केंद्र सरकार करी है? 5 रुपये कम हुए हैं, बहुत बढ़िया हुआ है, आगे भी कम होंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि आगे भी कम होंगे, जब 104 रुपये हो गया तो 100 रुपये भी जाएगा और 100 से नीचे भी जाएगा। ये हम इसके लिए हमारा काम है पानी का, इसके लिए हम बहुत ही सहमत है। आपको तो फिर ज़्यादा पेट्रोल लगते थे, जो हमारा 100 रुपये में काम होता था अब 200 रुपये में हो रहा है, लेकिन अब हमें खुशी है कि अब सिर्फ 100 रुपये में आ जाएगा। अच्छा, आप दिल्ली की बात करें तो क्या केजरीवाल सरकार को भी अपने वैट कम करने चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जहां पर राज्यों में सरकार थी वहां पर उन्होंने वैट भी कम कर दिया और केंद्र ने जो पैसे कम करे थे वो भी कम कर दिया, तो पेट्रोल काफ़ी हद तक नीचे आ गया। हरियाणा की भी बात करें 12 रुपये कम हो चुका है, क्योंकि केंद्र और राज्य की दोनों ने कर दिया, तो अब दिल्ली में भी क्या केजरीवाल सरकार को करना चाहिए कम? बिल्कुल करना चाहिए जी। अब मैं इस बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन जब बीजेपी ने कराया तो केजरीवाल को भी करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, एक और भाई साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है दिवाली के दिन कैसे देखते हैं? सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने सौगात दे दिया आम इंसान को, 5 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिया एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 10 रुपये कम कर दिया, पहली बात तो कैसे देखते हैं इसको, कैसी खुशी है? ठीक क्या है, 25 रुपये बढ़ा हुआ है, उसके बाद 5 रुपये कम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 10 रुपये जो भी कम हुआ है, लेकिन अब चाहिए जो उनका केंद्र राज्य सरकार है उनको भी कम करना चाहिए राज्य सरकार को। हाँ देखिए, यही बात अब यही जो है इस पर सियासत हो गई है, क्योंकि बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर उन्होंने अपने रेट कम कर दिए हैं, तो यानी वहाँ पर पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, जैसे हरियाणा की बात करें तो 12 रुपये कम हो गया जी। तो अब जो अन्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है जिन राज्यों में, उनको भी कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दिल्ली में क्या केजरीवाल सरकार करेगी? हाँ करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, करना चाहिए, करेंगी भी, हाँ करेंगे करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कुछ केजरीवाल सरकार को, आम इंसान कुछ बोलेगा? बोले क्या, उनको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वही तो सब लोग विरोध करते हैं जब बढ़ता है, और जब केंद्र सरकार अगर कर रही है तो इनको भी करना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि विरोध सब करते हैं कि केंद्र ने कर दिया, लेकिन अब केंद्र ने कर दिया तो इनको भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जनता विरोध करेगी, जनता विरोध करेगी। अच्छा आपको क्या लगता है, अब जब ये पेट्रोल कम हो रहा है, आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव है, क्या चुनावों की वजह से हो रहा है ये? नहीं देखिए, चुनाव तो 3 महीने से पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, तो अगर कम किए तो कुछ कुछ तो उसका भी है, जरूर वो भी है। चुनाव की वजह से नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा है, लग रहा है उसका भी असर है, उसका भी असर है। उसका भी असर पड़ेगा जनता पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, से बातचीत कर लेते हैं, और भी लोग यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है। रविंदर जी देखिए, पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पे 5 रुपये, डीजल पे 10 रुपये कम हो चुके, केंद्र सरकार ने कम करे दिवाली के मौके पर, कितनी राहत मिली आम इंसान को? सर रोज डेली 35 पैसे बढ़ाते हैं, एक महीने बाद में 5 रुपये आपने कम करे, 35 इंटू कर लीजिए कितने बढ़े और कितने कम करे, कोई फायदा नहीं कम करने का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब केंद्र ने तो कम कर दिया, लेकिन क्या राज्य के सरकारों को भी कम करने चाहिए पैसे? दिल्ली की अगर बात करें केजरीवाल सरकार को, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल जो है वो तो केंद्र सरकार के अंडर में है ना, तो राज्य का तो कोई मैटर ही नहीं उसके अंदर। राज्य को वैट कम करना चाहिए, क्योंकि अन्य स्टेटों में वैट कम हो चुका है जहां पर बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, वैट कम करना चाहिए अपने केजरीवाल जी, केजरीवाल को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी मरता जा रहा है, और उनकी पार्टी आम आदमी, जब आम आदमी मर जाएगा तो उनकी पार्टी कैसे जिंदा रहेगी, ठीक है ना सर? आपका क्या कहना है, आप बताइए सर, पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम हुए कैसे देखते हैं? सर मैं तो ड्राइविंग नहीं करता, वैसे मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, फिर भी भाई ने जो बोला ठीक ही बोला है, क्योंकि पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा किचन पर भी असर पड़ता है। कोई नहीं मरता, सिर्फ आम आदमी ही मरता है, और अभी भी यही हो रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है सर, ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेके लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पैसे कम? थोड़ा हाँ हो सकता है, इसी वजह से ये अपनी फॉर्मेलिटी निभाई है ताकि अगले इलेक्शन जीत जाए। जी हाँ, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, पेट्रोल कम होंगे और
कम होंगे या नहीं होंगे वो तो यही कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कम होने चाहिए क्योंकि आम आदमी से मरता ही जा रहा है, मरता है दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है इससे। लेकिन राहत भरी खबर तो ये जरूर है कि 5 रुपए कम हो गया सर, वही कुछ राहत तो मिली है कह सकते हैं, कुछ राहत मिली, लेकिन ये सोचो आप कहाँ 70 और कहाँ 104, 5 रुपए घटा के उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है, थोड़ा और घटना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, केंद्र सरकार ने 5 रुपए घटाए हैं पेट्रोल पर, और डीजल की बात करें तो डीजल में 10 रुपए की कटौती की है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने अपनी घटा दी है, और विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार को नुकसान हुआ है। अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता जो है वो केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश तो नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता का ये कहना है कि केंद्र सरकार को इस पर और संज्ञान लेना चाहिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में और कटौती होनी चाहिए। इसी के साथ राज्य में जो केजरीवाल की सरकार है, साथ ही दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल सरकार से भी अपील की है कि अपना वैट में जो है वो थोड़ी कमी लाए, क्योंकि बीजेपी की जहां पर राज्यों में सरकार है वहां पर वैट में कमी देखने को मिली है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। अगर आप देखें दिल्ली में 1 लीटर डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल की कीमत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 86 रुपये 71 पैसे है। बहरहाल यकीनन आम इंसान को जहां पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही थी, दिवाली के मौके पर कुछ राहत तो आम इंसान को ज़रूर मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वैट कम करते हैं, और क्या केंद्र सरकार और पेट्रोल और डीजल के दामों में आम इंसान को राहत देती है या नहीं देती, इसका जवाब आने वाला समय ही दे पाएगा। JK247 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ते जा रहे थे कि अब पेट्रोल कहीं ना कहीं 107 रुपये लीटर पर पहुंच गया था, लेकिन कहीं वहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए लोगों को 5 रुपये पेट्रोल पर कम किए हैं एक्साइज ड्यूटी में, और वहीं डीजल पर 10 रुपये कम किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं 2 रुपये पेट्रोल पर अतिरिक्त छूट देते हुए एक उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात दिवाली के मौके पर दी है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय के पेट्रोल उत्तराखंड में क्या रेट है और डीजल इस समय क्या रेट है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो पेट्रोल है उत्तराखंड में वो 99 रुपये 41 पैसे पेट्रोल हो चुका है, और डीजल 87 रुपये 56 पैसे हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो ये राहत सरकार की तरफ से दी गई है तो कितना असर इससे उनकी जेब पर कम हुआ है, कि क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं भारी तादाद में जेब पर फर्क जरूर पड़ रहा था। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर रेट घटाए हैं, पेट्रोल पर 5 रुपये घटाए हैं, डीजल पर 10 रुपये, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये तो इतना कोई ज़्यादा वो तो घटा ही नहीं, क्योंकि 105 रुपये था पहले, अब क्या 2-3 रुपये घटाएं खाली, इसमें इतना तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पे 2 रुपये अतिरिक्त अपनी तरफ से छूट दी है, तो उसको किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी, कैसा कदम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगाई इस समय है, तो किस तरह देखते हैं? नहीं नहीं, जब भी थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा है वैसे CM साहब ने, अब आगे और कुछ क्या पता कुछ कम करें आगे। और क्या माना जाए, ये चुनावी स्टंट है या फिर? चुनाव जब आता है तो थोड़ा बहुत करती है, हर कोई पार्टी जो होती है वो भी करती है चुनाव की वजह से। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव 2022 का नज़दीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि जो रेट घटाए गए हैं वो एक चुनावी जुमला भी उसको कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि जो राहत दी है उससे बड़ी ही राहत जनता को मिले। भाई साहब, पेट्रोल पे और डीजल पे रेट घटाए हैं, आप कैसे देखते हैं, कितना असर उससे पड़ा है महंगाई से, जितना असर पड़ रहा था क्या वो अब कम होगा? हाँ, कम तो होना चाहिए। कैसा कदम देखते हैं आप? इस समय तो महंगाई थे कदम तो अभी की थोड़ा सा घटाई है, कुछ तो असर पड़ा ही है। क्या एक चुनावी जुमला माना जाए या फिर वैसे ही है कि महंगाई कम की गई है? महंगाई तो कम की जा रही है, अब इलेक्शन के टाइम पे तो करेंगे ये सरकार। बिल्कुल, इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही थी और अब कुछ राहत सरकार ने देने का काम किया है, चाहे वो चुनावी मुद्दा हो या फिर चुनावी स्टंट हो कि चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कम किया गया है रेट, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रेट कम किए गए हैं तो ज़रूर फ़ायदा जनता को ज़रूर मिलेगा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ रुपये कम किए गए हैं, यानी कि 5 से 10 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर 10 रुपये, यानी कि
उत्तराखंड में 2 रुपये अतिरिक्त पेट्रोल पे यानी कि 7 रुपये कम किए गए। मैम क्या नाम है आपका? अंकिता। मैम जिस तरीके से सरकार ने पैसे घटाए हैं पेट्रोल डीजल तो कितना अच्छा कदम देखते हैं कि अच्छा कदम है, और वही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो है उन्होंने 2 रुपये एक्स्ट्रा घटाए। मैं क्या बोलूँ अभी, कैसा देखते हैं आप, अच्छा काम है ये? महंगाई तो मुश्किल है बहुत, तो अच्छा काम तो अभी नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पैसे घटाए गए हैं वो एक जुमला जरूर कहा जा सकता है चुनाव का, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जब पैसे बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत आसमान महंगाई छूती जा रही थी, और कहीं ना कहीं अब जो कम किए गए हैं वो सिर्फ एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात जनता कह रही है कि जो पैसे घटाए गए हैं वो सिर्फ ऊँट के मुँह में जीरा है, और एक चुनावी जुमला जरूर कहा जा सकता है उसको बीजेपी का। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, और साथ ही अगर घरेलू सामान की बात की जाए तो वो चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर हो, हरी सब्जियां हो, या रसोई में इस्तेमाल करने वाला सरसों का तेल हो, लगातार इनकी कीमतें आसमान छू रही थी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 12-12 रुपये की कटौती की गई है। हालाँकि अब पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो उनकी नई कीमतें 95 रुपये 26 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 86 रुपये 80 पैसे हो गई है। लेकिन इससे जनता कितना खुश नज़र आ रही है उसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल में कटौती की गई है उनसे उनकी जेब पर कितना फर्क और असर होगा, और साथ ही सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान जी, अचानक से 12-12 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही जो पेट्रोल डीजल के दाम थे वो आसमान छू रहे थे, लेकिन अचानक कम हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हुआ ये चीज़। अब पेट्रोल का दाम जो है 95 में आ गया है, 12 रुपये कम हो गया है, डीजल भी फर्क पड़ा है। सर क्या लगता है कि और भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर बात देखा जाए तो 40 रुपये पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा था, उसके बाद 12 रुपये कम हुआ है। जी हाँ, और कम करना चाहिए इनको, अभी इनको बिल्कुल ही कम करना चाहिए नई महंगाई में। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर। दीपक जी, पेट्रोल डीजल में 12-12 रुपये कम हुए, किस तरीके से देखते हैं? सर हम तो योगी मोदी को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट करना तो अलग बात है, अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लोगों की जेबों पे फर्क पड़ा था, उसके बाद अगर अब देखा जाए तो यूपी सरकार ने एक तोहफा दिया है दीपावली में, तो इससे कितना खुश नजर आ रहा है? इससे काफी प्रभावित हूँ मैं, अच्छा करा सरकार ने जो करा, और काफी लोग को अच्छा लगा, ये सभी लोगों को मतलब अच्छा लगा, अच्छी चीज हुई है जो हुआ है। अगर और चीजों की बात की जाए, रसोई गैस सिलेंडर है या तेल है रसोई का, इन सब की अगर बात की जाए तो इसका भी रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इसके लिए मोदी जी हमारे सोच रहे हैं, इसका भी सस्ता होगा ही, जल्दी सस्ता होगा। बिल्कुल, तो ये तमाम वो लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पेट्रोल पंप के भी वर्कर हैं वो मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि पहले जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे उसके बाद अचानक से कम हुए हैं, कितना इन लोगों को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शुक्ला। संदीप जी, अभी 2 दिन पहले तक पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो 100 रुपये के अधिक थे, अब अचानक से 12-12 रुपये कम हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, धीरे धीरे बढ़े, 35 पैसे 40 पैसे इस प्रकार से बढ़े, एकदम से 10-12 रुपये कम कर देना ये हर गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया ही कदम उठाया, इसमें पब्लिक को बहुत राहत मिली, दिवाली के मौसम पे पब्लिक खुश हो गई। सर लेकिन अचानक से इतना ज्यादा रेट बढ़ गया था, उसके बाद 12 रुपए कम किया, अभी भी तमाम आम जनता का जो है वो कहना है कि और भी कम होना चाहिए। नहीं, आम जनता कहना है और कम होना चाहिए तो सही है, जनता की सोच और कम होना चाहिए, अब आगे कम करेंगे या नहीं है तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन फिलहाल जो 10-12 रुपये कम किए हैं ये बहुत बड़ी राहत पब्लिक को दी है, इसमें कोई शक नहीं। सर आप लोगों को भी नुकसान हुआ होगा क्योंकि अचानक से रेट कम हो गया? हाँ, तो नुकसान तो होगा, जो माल होगा अगर घटेगा तो नुकसान तो होना है, उसमें कोई कुछ रोकथाम थोड़ी कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो
योगी सरकार ने फैसला लिया वो अहम फैसला है। और अभी भी तमाम आम जनता है जो जिन लोगों का कहना है साफ तौर पे कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े थे और भी कम होना चाहिए, और भी कुछ लोग हैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या संदेश देंगे उत्तर प्रदेश सरकार? तोहफा है साहब जनता के लिए, काफ़ी परेशानियां हो रही थी, हर चीज़ महंगी होती जा रही थी, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन मेन चीज़ होती है और हर चीज़ का अंग डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ है। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जनता में खुशी है और दिवाली पे धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सरकार को इस चीज़ के लिए। सर क्या चाहते हैं? अभी भी रेट जो है वो 95.26 रुपये है, इससे पहले की अगर बात की जाए तो इसका रेट और भी कम था, 50-60 रुपये के आसपास था, अचानक से रेट बढ़ा, मतलब हर दिन 35-40 पैसे बढ़ रहा था, फिर अचानक से 12 रुपये कम हो गए। अब साहब ये तो बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ही डिसाइड करना है, बट सस्ता अगर कोई चीज़ होती है तो खुशी आती ही आती है, और महंगा तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आमदनी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा थोड़े और रेट कम करें, मुख्यमंत्री जी से यही मेरी गुजारिश है, बाकी तो जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। अभी जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े थे उस समय तो आप कम पेट्रोल डलाते थे, लेकिन अब रेट कम हो गए हैं, अब क्या टंकी फुल करा के चलेंगे? नहीं, पेट्रोल उतना ही डलाते थे, चलना कम कर दिया था जब बढ़े थे, तो चलना कम कर दिया था और अब थोड़ा चलना ज़्यादा हो जाएगा, पेट्रोल तो उतना ही डलाते थे। बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं जिनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही, क्योंकि साफ तौर पे कह रहे हैं कि दीपावली से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सर क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा। सुनील जी, अचानक से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई अच्छा हुआ है, और कम हो जाए तो और अच्छी बात है, गाड़ी आदमी बहुत लोग सोच रहे थे कि गाड़ी खड़ी करके खड़ी कर देंगे, मेट्रो से चलेंगे, ऐसे अच्छा गाड़ी में पैसे कम होंगे तो आदमी गाड़ी जो रखे हो चला तो पाएगा, तो फायदा ही उसी का है, आम जनता को फायदा होगा तो अच्छा ही रहेगा ना, और सब बढ़िया भाई। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन शुक्ला है। सर पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए एक तरह से तोहफे की तरह देख रहे हैं कि दीपावली का तोहफा दिया मुख्यमंत्री जी ने, मगर जिस हिसाब से अभी भी रेट है, मगर हमें कुछ और राहत की उम्मीद है। सर लगता है कि जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, अगर हरी सब्जी की बात की जाए, रसोई गैस सिलेंडर की बात की जाए, या रसोई में इस्तेमाल करने वाला सरसों का तेल है, इन सब के भी रेट बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खाद्यान्न तेल है, रिफाइंड है, ऑयल है और सब्जियाँ, ये हम रेगुलर लेते हैं और इनसे मतलब कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो डेली वेज कर्मचारी हो या फिर मजदूरी हो, कोई भी करने वाला व्यक्ति है, उसको सबको ज़रूरत है। तो अगर आए और आए तो ऐसे भी आप समझ रहे हैं आजकल नील चल रही है सबकी, आय के नाम पे कुछ नहीं ना, रोजगार के नाम पे कुछ है, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि अपने एक परिवार का खाना जुटाना, जैसे होता है ना कि तेल 200 रुपये में हो गया है, टमाटर 80 रुपये में, प्याज 60 रुपये में, ये सब चीज़ें भी रोकनी चाहिए सरकार को, कि महंगाई या जमाखोरी जैसे भी है उसको रोकना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तमाम ये लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम जरूर हुई है लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। हम अभी भी पेट्रोल पंप पे हैं, हमारे ठीक पीछे देखिए तमाम और लोग हैं जो लगातार पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे भी एक बार दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो रोज़मर्रा की चीज़ें थे जिसपे लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे थे, हालाँकि दीपावली से पहले जिस तरीके से योगी सरकार ने फैसला लिया है और पेट्रोल डीजल के दामों में घटौती की है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे खुश भी नज़र आ रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के जो कीमतें हैं उन पे कमी लानी चाहिए। हमारे साथ एक मैम है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम सर क्या नाम है आपका? अरे क्या करेंगे बात करके भाई, क्या फ़ायदा बात करके, कुछ हासिल होना है कुछ नहीं होना है। लेकिन सर योगी सरकार ने दीपावली से पहले तोहफा दिया है, 12-12 रुपये कम हुआ है, 100 के ऊपर था अब 100 के कम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी कम हुआ है तो कोई बात नहीं है, अब क्या कह जाए भाई, सबके लिए ये चीज़ हमारे थोड़ी ना। लेकिन फिर भी सर सरकार को ध्यान देना चाहिए, अभी और भी तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर रेट बढ़े हैं, उसको किस तरीके से? ठीक है अब भाई, क्या है सब, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या आप क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपसे राय ले रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जो कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम और भी हम जो चाहते हैं वो होगा क्या?
अपनी अपनी समस्या बता सकते किस तरीके से आपको दिक्कतें होती है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। कोई बात नहीं। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो लोग थे जिनकी मिली जुली राय देखने को मिली। तमाम ऐसे लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार का जो फैसला है वो अहम फैसला है, बेहद खुशी वाला फैसला है, लेकिन अभी भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के आसपास हैं, इनमें भी कटौती करना चाहिए। और साथ ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो चाहे घर का जो रसोई गैस सिलेंडर है या फिर घर में जो इस्तेमाल करने वाला सरसों का तेल है या हरी सब्जी है, इन सब पर भी सरकार को सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और इनके जो रेट हैं वो कम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अली, जेके न्यूज चैनल, लखनऊ।